हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो इन दिस चैनल। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो अपने फ़ोन का। यानी आप जितने भी दिनों से फ़ोन कर रहे हो, यानी आपके फ़ोन में जब भी कॉल डिटेल आपने डिलीट कर दिया है या फिर आपसे मिस्टेक से डिलीट हो गया है, तो वो सभी कॉल डिटेल्स आप लोग रिकवर कर सकते हो और आप लोग कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। तो बस वीडियो के साथ बने रहो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन से कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। सबसे पहले ये देखो कि मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पेज जो है, काउंट है 46 पेज का, ये कॉल डिटेल्स का PDF है। इसमें मैं आपको सभी को सबसे पहले प्रूफ दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने फ़ोन का कॉल डिटेल निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज में चला जाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप जब यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपके जो भी PDF आएंगे तो सबसे पहले आपको दिख जाएगा नेम, यानी जो भी कैंडिडेट का नेम है, आपने अपने फ़ोन में जिसका भी नेम सेव कर रखा होगा उसका नेम यहाँ दिख जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सभी का नेम दिख रहा है। यहाँ देख सकते हैं इस जो भी टेबल है इसमें सभी का नेम दिख रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर दिख जाएगा, यानी जिस भी फ़ोन नंबर से आपने कॉल किया हो या फिर किसी अदर पर्सन ने आपको कॉल किया हो तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि कितने टाइम में आपको कॉल किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ टाइम दिख जाएगा। टाइम में सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, आपको जो दो वर्ड दिखेंगे उसमें आपको टाइम रहेगा, यानी कितने बजे कितने समय में। उसके बाद आपको डेट रहेगा, यहाँ देख सकते हैं डेट, यहाँ देख सकते हैं अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 25/11/2022 लिखा हुआ है। उसके बाद 6:24, यहाँ देख सकते हैं डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। उसके बाद ड्यूरेशन रहेगा, अगला टेबल में जब देखिएगा तो ड्यूरेशन, यानी कितने समय तक बात किया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 00 है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं 18:18 बात किया गया है, 2:48 बात किया गया है, यहाँ ये बताया जाता है। उसके बाद टाइप, यहाँ देख सकते हैं जो तीसरा यहाँ चौथा जो है वहाँ टाइप भी बताया गया है। टाइप यानी आपका जो आया हुआ है मिस कॉल आया हुआ है, या फिर आपने कॉल कट कर दिया यानी रिजेक्टेड, या फिर आपने कॉल रिसीव किया यानी आपने बात किया है वो, या फिर कॉल डिटेल्स, यानी चारों देख सकते हैं। यदि आपने कॉल कट कर दिया होगा यानी कॉल रिजेक्टेड रहेगा, यदि आपको मिस कॉल आया है तो मिस कॉल रहेगा, यदि आपने बात किया है तो कॉल रिसीव्ड, अगर आपने कॉल लगाया है तो डायल रहेगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सिम्बल भी दिया हुआ है। तो ये सभी कुछ आपको PDF में मिल जाते हैं। तो ये आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने फ़ोन से, तो वही बता रहा हूँ, बस वीडियो के साथ बने रहो। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं इस PDF को आपको सेव करके रख लेना है, जैसे ही आप लोग अपना कॉल डिटेल लाओगे, और उसको अपने ड्राइव पे रख लेना है। हालांकि ड्राइव पे PDF कैसे रखते हैं वो सभी पे मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना रखा है, तो वो वीडियोज भी आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं आप कॉल डिटेल कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रॉल कर लेना है, होम बटन में आने के बाद सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक ऐप डाउनलोड करने वाला है। देखिए, आप लोगों को ऐप डाउनलोड करने के लिए इसलिए, चूंकि बिना ऐप के कुछ भी आजकल नहीं होता है, इसलिए आपको ऐप डाउनलोड करना कंपलसरी है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च करना है E2PDF, आपको सर्च करना है E2PDF। जैसे आप लोग E2PDF सर्च करिएगा तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस पर स्क्रोल कर देना है। यहाँ देख सकते हैं इसका नाम देख सकते हैं E2PDF SMS कॉल बैकअप रीस्टोर। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, ये सिंबल है, इसका डाउनलोड भी देख सकते हैं। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना, ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो आप मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, हालांकि मैं जाके अपने ऐप में इसे ओपन कर लेता हूँ। जब आप ओपन करिएगा तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई हैव रीड पर क्लिक कर देना है, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, आप लोग अच्छे तरीके से समझा देंगे। हालांकि मैंने इस ऐप पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ देख सकते हैं एक है क्लिक टू कंटिन्यू, यहाँ भी देख सकते हैं क्लिक टू कंटिन्यू। यहाँ है PDF बैकअप, आप तो आपको नीचे में क्लिक करना है PDF बैक प्रिंट लेवल पर, यहाँ पे आपको क्लिक टू कंटिन्यू कर देना है, जैसा कि मैं कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है, मैंने इस पर सभी पर वीडियोस बना रखी है, एक है SMS, एक है WhatsApp चैट, एक है कॉन्टैक्ट्स, एक है स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट्स, एक है SMS स्टैटिक डेली, एक है कॉल स्टैटिक्स, उसके बाद है जनरल कॉल लॉग्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जनरल कॉल लॉग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपना नेम कुछ भी दे देना है, जिस नेम से आप PDF चाहते हो।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको एड्स दिख जाएंगे, वो नॉर्मल है। यहाँ पे आपको एड्स का यहाँ पे देख सकते हैं नाम लिख देना है, जिस भी जैसे कि मैंने जीके लिख दिया है। और यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा, डेट आप कब से कब तक का कॉल डिटेल चाहते हैं, तो यहाँ पे आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे एक महीने पुराने का चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं 4 जुलाई से माने मैंने 15 दिन पहले का कॉल डिटेल ले लिया हूँ। तो यहाँ पे आप कितने भी दिनों का कॉल डिटेल ले सकते हो, जब तक आपका फ़ोन है यानी जब से आपके फ़ोन में कॉल डिटेल्स होगा तो वो ऑटोमेटिक रिस्टोर कर लेगा। उसके बाद आपको देख सकते हैं कॉल लॉग डिटेल है, यानी आपको जो मैंने PDF दिखाया था उसमें मिस कॉल्ड, कॉल डायल और रिसीव सभी कॉल्स थे। अगर आप ओनली डायल करोगे तो आपने जिन जिन को कॉल लगाया है सिर्फ वही कॉल डिटेल्स आएंगे। उसके बाद है ओनली मिस्ड कॉल्स, यानी आपको सिर्फ वही कॉल्स आएंगे जिसको मिस कॉल्ड आया है उसी का लिस्ट आएगा। उसके बाद है ओनली रिसीव कॉल, यानी आपको कॉल आया है और आपने रिसीव करके बात किया है सिर्फ उसी का कॉल डिटेल आएगा। कॉल लॉग डिटेल यानी आपका ऑल डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर देना है, उसके बाद आपका PDF सेव हो जाएगा। सभी कुछ अलाउ कर देना है, ध्यान रखिएगा सभी कुछ आपको अलाउ करना है। जब आप अलाउ कर दीजिएगा तो आपको कुछ ही सेकेंड में आपका PDF खुल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं PDF खुल चुका है। यहाँ पर मैं आपको PDF का डेट दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको डेट भी दिख जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वेडनेसडे जुलाई, यहाँ देख सकते हैं 19 जुलाई है, यहाँ पे GMT लिखा हुआ है, यानी आपको डेट और टाइम दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको सभी कॉल डिटेल्स दिख जाएंगे, यहाँ पे किसका कॉल आया नहीं आया। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं जिस नंबर से मैंने बात किया वो भी दिख रहा है, और मैंने कब कब बात किया, रिसीव किया या डायल किया, सभी कुछ दिख रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप कॉल डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो। हालांकि मैंने इस पर कई सारी वीडियोज़ बना रखी है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लें। तो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।